दुरूद पाक बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। मैं इसकी बात पेश करता हूँ। असी भुआ मूल ना छड़ांगे जद तीक नजारा नहीं होना। असी छड़ांगे असी बुआ मूल ना छड़ांगे जद तक नजारा नहीं होना। ओ बस एक दरवाजा मल बैठे होर पसारा नहीं होना। बस एक दरवाजा मल बटे नित होर पसारा नवे नवे यार बनाए वांग कमीने लोग बस एक दरवाजा मल बटे सारा नहीं होना। बस एक दरवाजा मल बैठे नित होर पसारा। असा मन ले के बख्शिश मन ले के बख्शिश दरवाजा जन त्रोड़न वाली उंगली दा जद तीक इशारा नहीं होना। जन त्रोड़न वाली उंगली दा दीक इशारा नहीं होना। ओ जान साडी ईमान साडा बड़ा ओ जान साडी ईमान साडा तो जग विच मान तदान साडा ओ असी कौन ओदे बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। कहो यार सुभान अल्लाह। खामोशी अच्छी नहीं है, मैं फिर गुस्से होवांगा। छोटी जी गल दसा, मैनू दाद देनी नहीं सुभान अल्लाह। मत समझो मेरे ते नौन पा दो रौला पा के ना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह आपसे दो दफा राजी होगा। और देखो मेरे महबूब का ना सुन के मेरी तारीफ कर रहे हैं, इस वास्ते सुभान अल्लाह क्या कर। और मैंने सुना है कि जन्नत में एक दरख्त तुम्हारे लिए लगाया जाएगा सुभान अल्लाह कहना, तो जिन्हें जिन्हें उसकी छां च जाके बहना है वो कवे सुभान अल्लाह। ओ जान साडी ईमान जान साडी ईमान साडा तो जग विच मान तरान साडा ओए असी कौन उना बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। असी कौन ओदे बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। आदम ने कहा या रब नफी 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 हड्डी ठंडी। आदम ने कहा या रब नफसी नफसी, नूह ने कहा इज़बू इला गैरी, यूसुफ ने कहा या रब नफसी नफसी। मैदान महशर का नक्शा खींच रहे हैं तमाम उम्मत, हर नबी को जाएगी, हर नबी कहेगा इज़बू इला गैरी, किसी और को जा मदद मांग। हुजूर की बारगाह में बैठे हो इस यकीन से बैठा करो कि आप इमामुल अंबिया हैं और आपके अब्रू की जुम्बिश से तुम्हारी बख्शिश होनी। आदम ने कहा या रब नफसी नफसी, नूह ने कहा इज़बू इला गैरी, यूसुफ ने कहा या रब नफसी नफसी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा या रब हबली उम्मती उम्मती उम्मती। ऐसी कौन उना बिन वलियां ते नबियां दा गुजारा नहीं होना। हूँ अपनी गल सुनो, इधर तवज्जो। बाद मरने के सभी कब्र में मुझको छोड़ गए। मैं कोई ऐसी गल नहीं कर रही जेडी तुहानू समझ ना आवे। बाद मरने, हुजूर की शफाअत की बात हो रही है। बाद मरने के, और मरना है कि नहीं फिर भी कहो सुभान अल्लाह। क्यों? हुजूर दा दीदार होना। अल्लाह बाद मरने के सभी कब्र में मुझको छोड़ गए, जिन पे था नाज मुझे रिश्ता वो सब तोड़ गए। आ गए मुझको नकीरें दोज़ख से डराने के लिए, आतिशी गुर्ज दिखा कर ये फरिश्तों ने कहा किसकी उम्मत में है तू और है किसका बंदा। कितने बंदे हो, कितने मनना ले हो मोहम्मद। आतिशी गुर्ज दिखा कर ये फरिश्तों ने कहा किसकी उम्मत में है तू और है किसका बंदा। उस घड़ी इश्क़ सरकार दो आलम मेरे काम आया, लब्बे यक बायक मोहम्मद का मेरे नाम आया। देखो कब्र पुर नूर हुई, नूरे मोहम्मद चमका। अब तो घबरा के फरिश्तों ने मुझे छोड़ दिया। असी कौन उदे बिन बलिया थे, और मत पर को अकल देओ अनेओ। मत पर को अकल देओ अनेओ, ओदे इल्म ओदी बशरियत नू ओ विच महशर जिसे दी बख्शिश में कोई और सहारा नहीं होना। विच महाजर जिसे दी बख्शिश में कोई और सहारा। जमाने का आजकल तो दस्तूर बनता जा रहा है कि जेड़ा ज्यादा इबादत गुजार है ना वो घट नमाजा पढ़ने वाले ज्यादा दबांदा है। इदा ये कतन मकसद नहीं है, नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज हैं, जो फर्ज है वो फर्ज है। लेकिन पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब फरमाते हैं कि अपने ज़ुहद और तकवे की वजह से किसी को हकीर ना जानो। पता नहीं किहो जिहा मोहम्मद का दर्द जिगर लैके फिर रहा हो। ज़ुहद ते तकवा लासिल ईमान दा पाना है मुश्किल। वो सब कुछ है इश्क मोहम्मद दा, जिस बाज नतारा नहीं होना। सब कुछ है इश्क़ मोहम्मद दा।